दिल्ली की हवा इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ गया है। दिल्ली में कई जगहों पर एक्यूआई 800 के पार चली गई है और एवरेज एक्यूआई 500 तक है। ऐसे में सवाल उठता है कि अभी तो सर्दियां भी नहीं आई और ना ही दीपावली के पटाखे फूटे हैं, तो दिल्ली में इतना पोल्यूशन कैसे बढ़ गया है। एक्सपर्ट्स इसके पीछे दो बड़े कारण बताते हैं। पहला है अक्टूबर में बारिश का ना होना और दूसरा है पराली जलाने की घटनाओं का तेजी से बढ़ना। सबसे पहले बारिश वाले फैक्टर पर बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्टूबर आते आते दिल्ली की हवा में पोल्यूटेड एलिमेंट्स तेजी से जमा होने लगे और फिर अक्टूबर में बारिश ही नहीं हुई तो पोल्यूशन तेजी से बढ़ने लगा। साल 2021 के अक्टूबर में 123 मिलीमीटर बारिश हुई थी, साल 2022 में 129 मिलीमीटर, लेकिन साल 2023 में सिर्फ 5.4 मिलीमीटर अक्टूबर में बारिश हुई। ऐसे ही हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं में भी तेजी से बढ़ोतरी देखी गई। इस कारण प्रदूषण भी तेजी से बढ़ने लगा। पंजाब और हरियाणा में 15 से 29 अक्टूबर के बीच पराली जलाने की 6,391 घटनाएं हुई, यानी कि रोजाना करीब 456 घटनाएं, लेकिन 30 अक्टूबर को 1,852, 31 अक्टूबर को 2,901 और 1 नवंबर को 2,386 घटनाएं दर्ज हुई। इसी कारण तेजी से पोल्यूशन बढ़ गया और दिल्ली के अंदर हवा का स्तर काफी खराब हो गया। आंकड़ों के मुताबिक 3 नवंबर तक दिल्ली की हवा में प्रदूषण बढ़ने के पीछे 25% कारण पराली का था, जो 4 नवंबर को बढ़कर 35% तक हो गया। दिल्ली में अब खराब हवा में सांस लेना न्यू नॉर्मल बन चुका है। यहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये आम सी बात हो गई है। दिल्ली के अलावा अब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भी इलाकों में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ा है। तो चलिए, दिल्ली में प्रदूषण कैसे बढ़ता है, इसके पीछे कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं वो आपको बताते हैं। पहला है गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, जो हवा को 25% तक खराब करता है। सड़कों पर जमी धूल मिट्टी के कारण हवा की गुणवत्ता 16.9% तक खराब हो जाती है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी के कारण 4.6% और पराली के कारण 43% तक एयर क्वालिटी खराब होती है। बची हवा पटाखे, लैंडफिल से निकलने वाली जहरीली गैसें, जनरेटर, होटल की भट्टियों से निकलने वाले धुएं से खराब हो जाती है। वैसे आपको बता दें, हेल्थ रिपोर्ट्स ये भी दावा करती है कि ऑन एन एवरेज दुनिया भर में खराब हवा के कारण इंसानों की उम्र करीब 2 साल तक कम हो जाती है, लेकिन दिल्ली में रहने वाले लोगों की औसत उम्र खराब हवा के कारण 9 साल 7 महीने तक कम हो जाती है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर 2020 की रिपोर्ट बताती है कि साल 2019 में एयर पॉल्यूशन के कारण इंडिया में 119,000 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है।